हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग टुडे वी आर डिस्कसिंग कंट्रोलिंग दिस इज अ लास्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग जो है वो मैनेजमेंट प्रोसेस की सबसे लास्ट स्टेप मानी जाती है एंड दिस इज़ अ इम्पोर्टेंट प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू वाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग सो controlling is a primary goal-oriented function of management is an organization. it is a process of comparing the actual performance with the set standard of the company to ensure that activities are performed according to plans and if not, then taken corrective action. it means कंट्रोलिंग इज ए प्राइमरी गोल ओरिएंटेड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो कंट्रोलिंग है वो पहला गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है मतलब अपन ये कह सकते हैं मैनेजमेंट का सबसे पहला जो गोल ओरिएंटेड जो फंक्शन है वो क्या है कंट्रोलिंग इट इज ए प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग दी एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द सेट स्टैंडर्ड ऑफ कंपनी देखो इसमें यह होता है कि कंपनी एम्प्लॉयज़ की एक परफॉर्मेंस के लिए स्टैंडर्ड सेट करती है उस स्टैंडर्ड को उस स्टैंडर्ड को जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको अचीव करने के लिए काम करती है यह काम करवाती है तो अपन ये कह सकते हैं इट इज़ ए प्रोसेस यह एक ऐसा प्रोसेस है जो कंपनी द्वारा सेट इन स्टैंडर्ड्स के साथ जो एम्प्लॉय एक्चुअल परफॉर्मेंस दे रहा है उसको कंपेयर करने का काम करती है जैसे कंपनी ने एवरी एवरी एम्प्लॉय को ये बोल रखा है उस, उनको स्टैंडर्ड पर डे हंड्रेड यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है दिस इज़ सेट बाय कंपनी एंड द एम्प्लॉयज़ वर्किंग एंड प्रोड्यूसिंग द यूनिट्स जैसे मान लो कोई एम्प्लॉय नब्बे यूनिट बना रहा है कोई एम्प्लॉय अस्सी यूनिट बना रहा है कोई सौ यूनिट बना रहा है कोई एक सौ बीस यूनिट बना रहा है तो यहाँ पे जो एक्चुअल स्टैंडर्ड क्या है वो है आपका हंड्रेड यूनिट्स और अगर मान लो कोई अस्सी यूनिट बना रहा है कोई नाइन्टी यूनिट बना रहा है कोई एट्टी यूनिट बना रहा है कोई हंड्रेड यूनिट बना रहा है कोई वन ट्वेंटी यूनिट्स बना रहा है तो दिस इज़ अ एक्चुअल परफॉर्मेंस तो यहाँ पे स्टैंडर्ड क्या है हंड्रेड और जो वास्तव में जो एम्प्लॉयज़ बना रहे हैं वो है एक्चुअल परफॉर्मेंस सो ये क्या करता है कि स्टैंडर्ड और एक्चुअल के बीच में जो भी वेरिएशन होते हैं तो उस वेरिएशन को सही करने के लिए करेक्टिव एक्शन लेता है जैसा कि साथ में इसमें आगे और दे रखा है दैट एक्टिविटी आर परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू प्लान्स एंड इफ नॉट टेकन इफ नॉट टेकन करेक्टिव टेकिंग करेक्टिव एक्शन मतलब इसमें अपन ये कह सकते हैं कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन का स्टैंडर्ड सेट किया गया है तो जो स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो कंपनी का प्लान है कंपनी की प्लान के अकॉर्डिंग जो स्टैंडर्ड सेट किया गया है तो उस स्टैंडर्ड को ये पूरा करवाने का काम करते हैं जिसको अपन ये कह सकते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस क्या हो गई जो सेट किया गया है अब देखो ये किस तरीके से होता है किसकी इसकी प्रोसेस किस तरीके से होती है फर्स्ट ऑफ ऑल इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड जैसे एक कंपनी ने क्या करा कि पर डे हंड्रेड यूनिट्स बनाने का एक स्टैंडर्ड सेट करा जैसे मैं यहाँ पे लिख दे जैसे कंपनी ने हंड्रेड यूनिट्स बनाने का स्टैंडर्ड सेट करा अब मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस यहाँ पे एम्प्लॉय कितनी यूनिट बना रहे हैं यहाँ पे एम्प्लॉय कोई अस्सी यूनिट बना रहा है कुछ नाइन्टी यूनिट्स बना रहे हैं कुछ सेवेंटी यूनिट्स बना रहे हैं इसका मतलब दिस इज़ अ स्टैंडर्ड ये स्टैंडर्ड है और ये क्या है एक्चुअल परफॉर्मेंस है अब यहाँ पे कंपैरिजन की एक्चुअल में और स्टैंडर्ड में कंपैरिजन करके कितना यहाँ पे वेरिएशन आ रहा है पहले में ट्वेंटी का वेरिएशन आ रहा है फिर आपके टेन का वेरिएशन आ रहा है और यहाँ पर थर्टी का वेरिएशन आ रहा है मतलब स्टैंडर्ड कितना है हंड्रेड यूनिट्स और एक्चुअल में कितना आ रहा है एट्टी यूनिट्स नाइन्टी यूनिट्स और सेवेंटी यूनिट्स तो यहाँ पे कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ स्टैंडर्ड तो यहाँ पे एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड में कितना फर्क है ट्वेंटी यूनिट्स का टेन यूनिट का थर्टी यूनिट्स का एंड देन लास्ट स्टेप करेक्टिव एक्शन इफ़ नेसेसरी और यहाँ पे अगर मैनेजमेंट को ये लगता है कि यहाँ पे करेक्टिव एक्शन लेना चाहिए तो वो क्या करती है करेक्टिव एक्शन लेती है और फिर दोबारा से ये प्रोसेस स्टार्ट होती है और ये प्रोसेस दोबारा से फिर दोबारा से स्टैंडर्ड सेट होते हैं फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस दोबारा से देखी जाती है और फिर दोबारा से जो वेरिएशन है वेरिएशन निकाले जाते हैं फिर दोबारा से यहाँ पर करेक्टिव एक्शन लिया जाता है इट मीन्स कि जब तक सेट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस नहीं हो जाती है जब तक इसमें करेक्टिव एक्शन लिया ही जाता है सो वी कैन से कंट्रोलिंग इज़ अ इम्पोर्टेंट प्रोसेस अब मैं आपको इसका कंक्लूजन बता दूँ कि कंक्लूजन इन शॉर्ट कंट्रोलिंग मैनेजमेंट का एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है इसमें मैनेजमेंट अपने प्लान्स के अकॉर्डिंग जो एक्चुअल स्टैंडर्ड्स हैं कि एक एम्प्लॉई को कितना काम करना है वो स्टैंडर्ड सेट किया जाता है और बाद में एम्प्लॉज से काम करवा के एम्प्लॉई कितना काम कर रहे हैं कितने यूनिट्स बना रहे हैं तो वो उनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस आती है तो उसमें जो भी एम्प्लॉई कम यूनिट्स प्रोड्यूस करता है तो वो उसका वेरिएशन निकाला जाता है और वेरिएशन निकालने के बाद में उसमें दोबारा करेक्टिव एक्शन लिया जाता है उस पर दोबारा फीडबैक दिया जाता है जिससे कि दोबारा से स्टैंडर्ड को सेट किया जाएगा फिर दोबारा परफॉर्मेंस मेज़र की जाएगी और दोबारा कंपेयर किया जाएगा मतलब यह एक जब तक भी वेरिएशन दूर नहीं होता है जब तक ये एक्शन लिया ही जाता है अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग फ़र्स्ट ऑफ ऑल इफ़ेक्टिव कंट्रोल कि एक अगर देखा जाए तो कंट्रोलिंग की इम्पोर्टेंस ये है कि इससे जो कंट्रोल होता है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी यूनिट्स बननी चाहिए तो उसमें वेरिएशन कम आते हैं और जितनी यूनिट्स बननी चाहिए उतनी यूनिट्स ही बनती हैं सेकंड थिंग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एक कंपनी के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं मेन है मशीनरी है मटेरियल है फाइनेंस है, है उन सब का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है और थर्ड थिंग है इवेल्यूएट द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड कि जितना अभी स्टैंडर्ड सेट किया गया है उस स्टैंडर्ड का काम हो रहा है या नहीं हो रहा है उसके अंदर एक्यूरेसी आती है मतलब एक एम्प्लॉय या जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो कितना काम कर रहे हैं उसके अंदर पता पड़ता है कि वो वास्तव में कितना काम कर रहे हैं इसके अलावा फोर्थ वन मोटिवेट दी एम्प्लॉयज़ कि अगर मान लो एक नॉर्मल सा ही स्टैंडर्ड अगर सेट होता है उससे जो एम्प्लॉज हैं एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होते हैं सो कंट्रोलिंग इज ऑल्सो मोटिवेट दी एम्प्लॉज जो कंट्रोलिंग क्या काम करती है कि एम्प्लॉ को मोटिवेट करती है एंड फिफ्थ वन मिनिमाइज एरर्स एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एरर्स आ रहे हैं जो वेस्टेज हो रहे हैं जो रॉ मटेरियल वेस्ट हो रहा है या जो रिसोर्सेज हैं वो वेस्ट हो रहे हैं तो उनको क्या करा जाता है उनको एरर मान के उसको ख़त्म किया जाता है उनको कम किया जाता है तो इसमें अपन एरर भी मेज़र करते हैं सो फाइनली वी कैन से कंट्रोलिंग इज़ ए इम्पोर्टेंट प्रोसेस इन दी कंट्रोलिंग अ मैनेजर सेट दी स्टैंडर्ड देन एवरी एम्प्लॉय डू दी परफॉमेंस एंड द मैनेजर कंपेयर टू एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड देन द करेक्टेक अ करेक्टिव एक्शन अपन ये कह सकते हैं ये एक मैनेजरियल प्रोसेस है जिसमें एक्चुअल और जो स्टैंडर्ड है इसके बीच जो वेरिएशन होता है वेरिएशन मेजर किया जाता है